Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, ग्रुप के मेंबर्स हैं और प्यारे प्यारे दोस्त हैं, सब ने मिलकर फरमाइश की है कि आप सिल्क बैंक पर एक वीडियो बना दें आप। तो दोस्तों ऐसे है कि सिल्क बैंक जो है ये 1994 में जो है ये समझ लें मर्ज वजूद में आया, इसने अपना वर्किंग स्टार्ट की है, इसके पहले डिफरेंट नाम से, और अब ये सिल्क बैंक बन गया हुआ है उसके बाद कुछ अर्से बाद। तो दोस्तों ये ऐसे ही चलता चलता इसने 2010 में राइट शेयर इसने काफ़ी दिए थे और कुछ नीचे आ गया और इसके फाइनेंशियल कुछ एस्पेक्ट्स उस वक्त बेहतर नहीं थे और रेट इसका नीचे आना शुरू हो गया। और इसके बाद आपको थोड़ा मैं ये बताता चलूं कि अगर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की तरफ देखें तो 2020 और 21 में इसने नथिंग, किसी किस्म की कोई किसी भी क्वार्टर का इसने फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं दिया हुआ, वो 2020 और 21 का वैकेंट है, उससे पहले के हैं। उसके बाद अगर थोड़ा आगे आए तो स्टेट बैंक ने और SECP ने इसको नोटिस भेजा है जी, कि आप भेजा था कि आपने कोई भी किसी किस्म की बोर्ड मीटिंग 2 सालों में होल्ड नहीं की, अब आप अगर बोर्ड मीटिंग होल्ड नहीं करते तो आपको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इन्होंने इसके अगेंस्ट एक लेटर उसको दिया, स्टेट बैंक को भी और SECP को भी, कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, हमारे काफ़ी सारे मामला बिखरे पड़े हैं, हमने उसको एक ही दफ़ा सारे इकट्ठे करके और जो ट्रू बात है वो सारी सामने आपके सामने रखेंगे, बोर्ड मीटिंग करेंगे और उसमें हम सब कुछ बताएंगे और फाइनल एक शीट तैयार करेंगे। उन्होंने ये सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने एक्सेप्ट किया और इनको टाइम दे दिया 22 मार्च 2022 का। जब टाइम आया जी 22 मार्च 2022, इन्होंने बोर्ड मीटिंग कोई होल्ड नहीं की और 30 तारीख तक ऐसे टाइम जाने दिया और फिर इन्होंने एक लेटर दिया उनको कि हमें एक्सटेंशन के लिए मज़ीद टाइम चाहिए, हमसे अभी फुलफिलमेंट नहीं हो सकी। उसके बाद उन्होंने दोबारा फिर इनको टाइम दिया कि जी आपको टाइम दिया जाता है फाइनल कि आप 30 जून तक 2020 की सारी फाइनेंशियल रिजल्ट्स दें और जुलाई और अगस्त तक आप हमें फाइनली जो है वो अपने 2021 के सारे रिजल्ट से। ये सब कुछ होने के बाद इन्होंने थोड़ा टाइम लिया इन्होंने और उसके बाद इन्होंने फाइनली 18 मई को इन्होंने दोबारा से एक अनाउंसमेंट अपनी दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट में कि हम एक बोर्ड मीटिंग रखने जा रहे हैं जो कि 24 मई 2022 को होगी और इसमें हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अदर देन मैटर पे जो है वो बना रहे हैं, ये अपना मीटिंग हम रख रहे हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये इन्होंने मीटिंग रखी है 24 में जो लेटर है, लेटर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये लेटर में क्लियर तौर पे एंड पे लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी का, सिल्क बैंक का जो डायरेक्टर हो या ओनर या किसी किस्म का भी जो इंतजामिया का बंदा है, वो शेयर का आउटसाइड द लेन देन नहीं कर सकता मार्केट के अलावा, ठीक है जी। यानी कि वो अपना किसी को बेच सकता है ना ले सकता है शेयर पर, यह स्ट्रिक्ट पाबंदी लगाई 18 मई से 24 मई तक जब तक बोर्ड मीटिंग है। तो दोस्तों इसमें कुछ पॉजिटिविटी यही नजर आ रही है कि ये हो सकता है कि यहाँ तो बैंक को कोई परचेज कर रहा है ले रहा है, यहाँ कोई जो है वो कोई राइट्स वगैरह इशू कर रहा है, यहाँ कोई अदर मैटर कोई भी है जो शो करना चाह रहा है। इसका एक और पेंडिंग मैटर है जो कि इसने अपनी मेन ब्रांच वहाँ पर कराची में एक सेल की हुई है बड़ी, जो 8 से 9 अरब रुपये की बिकी हुई है। ये अभी तक उन्होंने बताया नहीं है या बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि 2 सालों से रिजल्ट मीटिंग अनाउंस ही नहीं की, तो इन्हें मौका कहाँ से मिलना था। तो दोस्तों बात यह है, वो भी बता सकते हैं इसमें, तो पॉजिटिविटी इसमें कुछ नज़र आ रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर रखना चाहें आप, अगर मैं अगर ऐसा करूं कि मैं इसको लूं और शॉर्ट टर्म के लिए मैं इसको तकरीबन 2 रुपये के बाद बेचूंगा और अगर इसको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए रखूं यानी कि 4 से 5 माह या 6 माह तक, तो मैं इसे 5 रुपये से ऊपर बेचूंगा। तो दोस्तों ये मेरा तजिया एनालिसिस था, आपका डिसीजन अपना, आप अगर लेना चाहते हैं तो वो आपका अपना जाती वो फैसला होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो थी सिल्क के बारे में, पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने खादिम को दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।